इकोसिस्टम के एग्जाम्पल के कंटिन्यूएशन में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रासलैंड ऐसा लैंड जिसमें कि बहुत सिर्फ ग्रास ही ग्रास हो उसको कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वेजिटेशन फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जहां हमने देखा था कि बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स थे जिनका स्टेम या ट्रंक बहुत मोटा था और कंप्लीटली बुडी था लेकिन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ऐसे ग्रासेस आएंगे पूरे जितने हैं वो आ जाएंगे और ऐसे प्लांट्स रहेंगे जिनका ट्रंक बहुत वुडी नहीं है इसलिए इसको हम लैंडस्केप का ट्रांजिशन भी मान सकते हैं जहां ग्रास जो है वो पूरी तरह से पेड़ भी नहीं बने हैं और पेड़ जो है उनके साथ ग्रास भी प्रेजेंट है तो ये एक तरह से ट्रांजिशनल लैंडस्केप इकोसिस्टम भी कहलाता है ग्रासलैंड कितने टाइप के ऑल ओवर यूनिवर्स अगर हम इसको सोचे तो ग्रासलैंड को बेसिकली दो जोन्स में बांटा गया है एक तो है टेम्परेट जोन और दूसरा है ट्रॉपिकल जोन के ग्रासेस तो टेम्परेट ग्रासलैंड में आ जाते हैं स्टेप्स, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आ जाते हैं हॉट सवानास ग्रासलैंड जो कि सब सहारा अफ्रीका और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम बताने के पहले एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि जिस तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स थे ऑलमोस्ट उसी तरह के ही इस पे भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी आएंगे तो अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट को देखें तो मालूम है एबायोटिक कंपोनेंट component कैसे कंपोनेंट्स होंगे जिनमें लाइफ सर्वाइवल नहीं रहेगा एयर वाटर सॉइल रॉक्स मिनरल्स कार्बन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब कंटेंट किसमें आ जाएंगे एबायोटिक कंपोनेंट में बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट को हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं बेसिकली ये सिस्टम ही है इको का कि पहले प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट लेकर के एनर्जी बनाएंगे तो प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट लेके एनर्जी बनाएंगे उनमें ज्यादातर आते हैं साइनाडॉन डिजिटेरिया डेस्मोटियम सेटेरिया इस टाइप के ग्रासेस इसके प्रोड्यूसर रहेंगे कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को हम तीन लेवल में डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे कंज्यूमर जो अपनी फूड हैबिट के लिए पूरी तरह से ग्रासेस पे डिपेंड करें तो ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स है पूरे के नाम लिख दीजिए काऊ बफेलो गोट रैबिट माउस ये सब आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर में इंसेक्ट में आ जाएंगे टर्माइट सेंटीपीड मिलीपीड सेंटीपीड मिलीपीड का नाम कैसे याद रखते हैं पीड मतलब पैर जिसके सौ पैर होते हैं वो सेंटीपीड और जिसके हजार पैर होते हैं वो मिलीपीड आप देखिएगा घरों में भी निकलते हैं ये सेंटीपीड मिलीपीड अब आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब ऐसे एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करें फूड हैबिट के लिए स्नेक लिजार्ट जेकार फॉक्सेस फ्रॉग ये सब जो है प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं इसलिए ये आ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर अब आते हैं जो सेकेंडरी से ऊपर और कंज्यूमर हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को अपना फूड बनाएंगे तो वो कौन से हैं उनमें आ जाते हैं ईगल है वल्चर है हॉक्स है ये सब आ जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर में अब आती है बारी डी की तो डी में जितने माइक्रोब्स डी का मेन काम क्या रहता है कंपोज को डी कर देना मतलब जो भी कंपोज्ड फॉर्म है उसको तोड़ देना तो ये काम करते हैं डी जिसको कि डेट्रीटस भी बोलते हैं तो डी में जितने छोटे छोटे एनिमल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब ये काम करते हैं तो माइक्रो माइक्रोब्स में जैसे एक्टिनोमाइसिटीज़ का फंगस हुआ म्यूकर एस्परजिलस राइजोपराइजोपस राइजो, पेनिसिलियम क्लास्टिडीरियम ये जितने भी टाइप के आपको मन में आते हैं सब किस में आ जाएंगे डी के फंगस वाले बेस में इसके अलावा जितने एरोबिक और बैक्टीरिया हैं ये सब डीकम्पोजर में आ जाएंगे जिसका मुख्य काम क्या है इसका मुख्य काम है कि एनवायरमेंट में जो भी मटेरियल बना हुआ है कंपोज्ड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है प्लांट या एनिमल में उनको रिलीज करना एनवायरमेंट में या सॉइल में तो ये इस तरह से डी करने का काम करते हैं ये कंपोनेंट्स हो गए ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अब देखते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का क्या काम है तो जो काम फॉरेस्ट इकोसिस्टम का था वही काम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का भी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन सरवाइव करते हैं बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक फूड वेब्स होते हैं तो इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम इनमें न्यूट्रिय साइकिल आएंगे न्यूट्रिय साइकिल में सेडिमेंटेशन वाले न्यूट्रिय साइकिल और इस तरह से गैशियस न्यूट्रिय साइकिल न्यूट्रिय साइकिल में आ जाएंगे कार्बन का ऑक्सीजन नाइट्रोजन का और सेडिमेंटेशन uh, वाले न्यूट्रिय साइकिल में फॉस्फोरस ये पूरी की पूरी चीजें रेगुलेट होंगी यहाँ पे फूड वे फूड चेन न्यूट्रिय साइकिल पिरामिड सब कुछ इस पे भी आ जाएंगे ग्रास में तो जैसे हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उसके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था आप भी उसी तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बता सकते हैं बहुत ही कम चेंजेस है ऑलमोस्ट सेम चेंजेस रहेंगे और इस तरह से आप इसको अपने आज का असाइनमेंट मानिए